हेलो, स्वागत है आपका बिजनेस रोजगार यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो जॉब नोटिफिकेशन के बारे में देखने जा रहे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट पोस्ट। असिस्टेंट विल बी इक्विवेलेंट टू यानी आपका क्लरिकल लेवल। सो यहाँ पे 950 वैकेंसीज आई है और क्या उस वैकेंसीज को आपको कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या आप कैसे अप्लाई करना है और आप किस तरीके से इस जॉब को पा सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो अगर आप नए हो बिजनेस रोजगार यूट्यूब चैनल में तो अभी सब्सक्राइब करिए। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर में दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहायक पदों के लिए 2020 पदों के लिए भर्ती है। सो दिस वाज अ शॉर्ट नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और यहाँ पे सिर्फ डेट्स मेंशन थी, यानी 17 फरवरी से अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे टिल 8th ऑफ मार्च। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन परीक्षा की जो दिनांक थी वो भी गिवन थी, दैट इज़ 26th एंड 27th मार्च। बस इतना ही नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, बट अभी पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आपको कैसे देखना है, देखिए आपको गूगल पे जाना है और आपको गूगल पे सर्च करना है RBI असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2022 PDF। तो जो पहली वाली PDF ओपन होगी वही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो 950 पोस्ट फॉर असिस्टेंट इन वेरियस ऑफिसेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, देखिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कल से अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और ये 8th मार्च तक चलेंगे। तो उसके बीच में आपको भरना है, पहले ही भरना है आपको, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम टेंटेटिवली स्केड्यूल्ड है, यानी फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए उन्होंने 26th एंड 27th ऑफ मार्च यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिया है। तो बहुत ही कम समय है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी उस पर वर्क करना है। और जो फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक गिवन है, दैट इज़ इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो वैकेंसीज गिवन है वो इस तरीके से गिवन है, यानी इसके वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके ऑफिसेज के वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं आप अहमदाबाद, बेंगलोर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई का देख लो आप, ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन है SC ST ओपन OBC के लिए कितनी है उस अकॉर्डिंग। और टोटल देखिए दोस्तों 950 वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही है, टोटल 950 वैकेंसीज है। और बाद में जो देखा जाए ये आपको डिटेल में पढ़ना है, या PWDs के लिए क्या क्राइटेरिया है, अदर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्राइटेरिया है, सब आपको पढ़ना है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एलिजिबिलिटी एज ऑन एज, एज के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे 20 to 28 ईयर्स के यहाँ पे आपको एज रिक्वायर्ड होगी, और SC ST OBC और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एक एज का रिलैक्सेशन भी मेंशन है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है दोस्तों, देखिए वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है। देखिए दो फेज़ में, बेसिकली तीन फेज़ में है ये एग्ज़ाम, और उसमें से सबसे मेन जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन है दोस्तों। देखिए पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एज मेंशन तीन सब्जेक्ट रहते हैं यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, और ये 30, 35 एंड 35 मार्क्स यानी कंप्लीट 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सेक्शनल टाइमिंग होता है 20 मिनट्स फॉर ईच सेशन, तो इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, दिस इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका एक कट ऑफ लगता है, और अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस में यहाँ पे 5 आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेंशन है और अकॉर्डिंगली उनके मार्क्स और आपका टाइम, यहाँ पे भी सेक्शनल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, और टोटल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है 135 मिनट्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो आखिरी आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो है आपका LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दिस इज जस्ट टू नो कि आपको उस स्टेट का या उस ऑफिस का ऑफिशियल लैंग्वेज आता ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ मुंबई ऑफिस की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई या नागपुर ऑफिशियल्स की, तो यहाँ पे मराठी, हिंदी और कोकनी आपको ज़रूरी है, यानी मुंबई के लिए मराठी एंड कोकनी और नागपुर ऑफिस के लिए मराठी एंड हिंदी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों आपको फोकस जो आपका होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग और मेंस एग्जामिनेशन पे होना चाहिए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन देगा, ठीक है। तो लास्ट डेट इसकी 8th ऑफ मार्च है, विच इज़ इंटरनेशनल वीमेंस डे, उसके पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है उसके लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप जाइए वहाँ पे फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और हर साल वैकेंसीज आती है रिजर्व बैंक की, और अराउंड 1000 वैकेंसीज तो होती ही होती है। सो इस बार 950 वैकेंसीज है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड अप्लाई एंड यू कैन गेट दिस जॉब। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो। अगर आप नए हैं बिजनेस रोजगार यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब करिए और शेयर दिस वीडियो जिनको ज़रूरत है उनके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।